यहाँ स्क्रीन पर एक थ्री लेयर ट्री दिखाया गया है। इस ट्री में 1 को रूट 2, 3, 7, 8, 4, 5, 6 एंड 9, इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ये वास्तव में जो ट्री है ये थ्री लेयर ट्री है। इसमें 1 को 0 लेयर, 2 एंड 3 फर्स्ट लेयर, 7, 8, 4, 5, 6 सेकंड लेयर और 9 थर्ड लेयर पर है। 2 एंड 3 को 1 से डिराइव किया गया है, या 2 एंड 3 वर्टेक्स आर ऑप्टेंड फ्रॉम ए, सो 2 एंड 3 आर चाइल्ड ऑफ 1, या 2 और 3 एक के शिशु हैं, या 1 को 2 एंड 3 का पेरेंट या जनक कहेंगे। इसी तरह से 7 और 8 2 के चाइल्ड, 4, 5, 6 3 का चाइल्ड, 6 का चाइल्ड, सो 7, 8 2 का चाइल्ड, 4, 5, 6 3 का चाइल्ड और 9 6 का चाइल्ड है। अब 2 एंड 3 आर चाइल्ड ऑफ 2, मीन्स 7 and 8 आर ब्रदर्स एंड दीज ब्रदर्स आर नोन एज सीबलिंग। तो 7 और 8 सीबलिंग, 4, 5, 6 आर ऑल्सो सीबलिंग, आर कजन्स, 7 and 5 आर कजन्स, 7 and 6 आर कजन्स, मीन्स कजन्स वो चाइल्ड हैं जिनके पेरेंट के पेरेंट सेम हैं। मीन्स 7 और 8 का पेरेंट 2, 4, 5, 6 का पेरेंट 3 और इन 2 and 3 का पेरेंट वापस 1। तो इन के पेरेंट सेम हैं, इसलिए इनको हमने कजन्स नाम दिया है। अब अगर हमको 9 तक पहुंचना है तो हमको 6, 3 और 1 से गुजरना होगा, इसलिए 6, 3 and 1 को 9 के पूर्वज एंड 1 के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 वंशज यंश कहलाएंगे। अब 7 और 8 के चाइल्ड नहीं है, 4, 5 and 9 के भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो ऐसे वर्टेक्स जिनके कोई चाइल्ड नहीं हो उनको हम लीफ या पॉइंट कहते हैं। तो 1, रूट, 2 and 3 आर चाइल्ड ऑफ 1, 7 and 8 आर चाइल्ड ऑफ 2, 4, 5, 6 आर चाइल्ड ऑफ 3, 9 इज चाइल्ड ऑफ 6, 6, 3 and 1 आर एंसेस्टर्स ऑफ 9, 1, 3 और 6 शीर्ष 9 के एंसेस्टर्स हैं। इसी टाइप से 1 के डिसेंडेंट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9 है। 7 and 9 जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं है वो हमारे लीफ, सो 7, 8 लीफ, 4, 5 and 9 आर ऑल्सो लीफ।